ये डिजिटल इंडिया की ही ताकत थी कि जब दुनिया थमी हुई थी तो भी हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। अस्पतालों के सामने असाधारण चुनौती थी, लेकिन डॉक्टर्स अपने मरीजों का इलाज टेलीमेडिसिन के जरिए भी कर रहे थे। ऑफिसेज बंद थे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। आज हमारे छोटे व्यापारी हो, छोटे उद्यमी हो, लोकल कलाकार हो, कारीगर हो, डिजिटल इंडिया ने सबको मंच दिया है, बाजार दिया है। आज आप किसी लोकल मार्केट में, आप सब्जी मंडी में जाकर देखिए, रेहड़ी पटरी वाला छोटा दुकानदार भी आपसे कहेगा कैश नहीं है, यूपीआई कर दीजिए। मैंने तो बीच में एक वीडियो देखा, कोई भिक्षुक भी डिजिटली पेमेंट लेता है। ट्रांसपेरेंसी देखिए। ये बदलाव बताता है कि जब सुविधा सुलभ होती है तो सोच किस तरह सशक्त हो जाती है। साथियों, आज टेलीकॉम सेक्टर में जो क्रांति देश देख रहा है वो इस बात का सबूत है कि अगर सरकार सही नियत से काम करे तो नागरिकों की नियत बदलने में देर नहीं लगती है। 2G की नियत और 5G की नियत में यही फर्क है।